सो एकॉर्डिंग टू द प्रोफिट ओवर जेट इज डिफाइंड एज इट इज द हॉरिजॉन्टेड ओवरलैपिंग ऑफ द इंसाइजर्स क्या कहना चाह रहे हैं हम इसको समझते वेल्प ऑफ द मॉडल एक आइडियल मॉडल अगर हम एक आइडियल पर्सन को देखें जिसके अंदर दे कोई भी मेलोक्लूजन नहीं हो यानी कि कोई भी टूथ की इरेग्युलरिटी नहीं हो केनाई क्लास वन में हो मोडर क्लास वन में हो तो हम देख सकते हैं आप देख सकते हो उस मॉडल में कि इस मॉडर्न में इसमें हमें दिख रहा है कि जो हमारी अपर आर्च की जो टीथ हैं वो थोड़े से लेबियली हैं यानी कि उन्होंने ओवरलैप किया हुआ है मैक्सिलरी आर्च की जो टीथ हैं वो कंटेन करके रखते हैं मैंडबुलर आर्च के टीथ को लाइक अ कंटेनर लाइक एक ढक्कन होता है ना लाइक कैप कैप हो गया और अंदर का जो है वो हमारे पास मैंडिबुलर टीथ हो गए और जो कैप हो गया वो मैक्सिलरी टीथ हो गए तो ये क्या करते हैं कंटेन करके रखते हैं टीथ को यानी कि ओवरलैपिंग करके रखते हैं तो ओवरलैप हमें समझ आ गया कि हर टीथ जो है वो ओवरलैप हुआ हुआ, हुआ हुआ है किससे अपर के टीथ से हॉरिजॉन्टल हॉर्जोंटल इज़ वेरी ईजी हम अब हमेशा से बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि भाई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जो कि इस तरह होता है और एक हमारे पास वर्टिकल प्लेन होता है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होता है तो हम हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग ऑफ द इंसाइजर्स यानी ओवर जैट जो है वो बेसिकली इंसाइजर्स का रिलेशनशिप बता रहा है क्या बता रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग ऑफ द इंसाइजर्स है उसको हम ओवरजैट कहते हैं यानी आम जबान में अगर हम बोलें द डिस्टेंस कितना है बिटवीन द अपर एंड द लोअर इंसाइजर्स के दरमियान ओवरलैपिंग का मेजर जो हम करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम इस वक्त हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर कर रहे हैं हम वर्टिकली मेजर नहीं कर रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल डेंटली मेजर कर रहे हैं नॉर्मल पर्सन है उसके जो ओवरजेट होता है वो नॉर्मल होता है टू टू थ्री मिलीमीटर यानी टू टू थ्री मिलीमीटर एक नॉर्मल ओवरजेट है यानी अपर इनसाइजेस अहेड हैं लोअर इनसाइजर से यानी ओवरलैपिंग की हुई है इन द इनसाइज़ इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो कितनी होती है नॉर्मली 2 टू 3 मिलीमीटर इज नॉर्मल अगर किसी पेशेंट का इससे बढ़ावा हो तो हम इसको कहेंगे इफ ग्रेटर दैन थ्री मिलीमीटर एक आइडियल है हमारे पास टू टू थ्री मिलीमीटर अगर थ्री मिलीमीटर mm से इंक्रीज़ है तो हम इस बोलेंगे ऐसे ऐसे हम बोलेंगे ऐसे पेशेंट की इंक्रीज ओवर जेट है इंक्रीज ओवरजेट आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि ओवरलैपिंग ऑफ द इंसाइजर्स जब ये चीज़ का डिस्टेंस बढ़ जाए जब ये चीज़ का डिस्टेंस बन जाए अब किसी भी रीज़न से हो सकता है मैग्जिला ओवरग्रोथ में है या मैग्जिला टी प्रोक्लाइन है या मैग्जिला सही है और हमारे जो है वो लोवर जो मैंडिबल है वो रिट्रोक्लाइन है तो इसकी वजह से मोस्टली ये कंडीशन हमें किस में मिलती है स्केलेटल क्लास टू या डेंटल क्लास टू तो हमें क्लास टू के पेशेंट्स में ओवरजेड इंक्रीज मिलता है हमेशा वो भी क्लास टू डिवीजन वन में एज यू ऑलरेडी नो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया वह डिफरेंस कि क्लास टू डिव वन में क्या डिफरेंस होता है क्लास टू डिव टू में क्या डिफरेंस होता है तो आज का टॉपिक जस्ट हमारा ओवर जेट है तो मैं ओवर जेड तक ही रहूँगी लेकिन ना द सेकेंड थिंग इज अगर लेस देन टू मिलीमीटर है यानी कम है तो हम कहेंगे इसको रिवर्स ओवर जेड या एंटीरियर क्रॉस बाइट या रिवर्स ओवर ओवरजेट कह सकते हैं या नेगेटिव ओवरजेट भी कह सकते हैं दिस इज द नेगेटिव ओवरजेट ठीक है नेगेटिव ओवरजेट हो गया इंटीरियर क्रॉस बाइट या द रिवर्स ओवरजेट और ये हमें मोस्टली क्लास थ्री के पेशेंट में मिलेगा कैसे मिलेगा हाँ ये भी हम समझते हैं देखें ये हमारे पास एक आइडल मॉडल था अगर क्लास टू है अगर हमारे मैक्सिलरी आगे हैं हमें पता है क्लास 2 में मैक्सिला आगे होता है तो ये हमारे पास इंक्रीज ओवरजेट मिलेगा अगर हमारे पास मैंडिबल आगे है तो हमारे पास क्या होगा मैंडिबल के जो टीट हैं वो अहेड हो जाएंगे अपर के तो ये क्या हुआ यहाँ तक हमने ना हम, हमारा डिस्टेंस कहाँ से होता है यहां से होता है हमारा डिस्टेंस यहाँ से मेजर होता है यहां तक लेकिन अब जो मेजर होगा वो नेगेटिव में जाएगा यानी कि कम होता जाएगा तो हमारे पास वैल्यू टू से कम आती रहेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा एंटीरियर क्रॉस बाइट में है या तो फिर आपके पास तो क्या हो जाएगा इसमें हमारे पास एंटीरियर क्रॉस बाइट में तो ये किस कंडीशन में हमें मोस्टली मिलता है हमें मिलता है क्लास थ्री के पेशेंट में ये हमें मिलता है तो अब बात आती है इसकी ट्रीटमेंट की कि हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं और मेजरमेंट कैसे करते हैं मेजरमेंट बहुत इजी वे है एक हमें जस्ट मिलीमीटर स्केल चाहिए होता है ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर